नमस्कार, मैं दिव्या धौराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारतीय हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह और वरुण कुमार के दो दो गोल की मदद से गुरुवार को मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मैच में चीन को 7-2 से करारी शिकस्त दी है। भारत के लिए हरमनप्रीत ने 5वें और 8वें मिनट में, जबकि वरुण कुमार ने 19वें और 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया। भारत का दूसरा मुकाबला शुक्रवार 4 अगस्त को पिछली बार की उपविजेता जापान के साथ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एनडीए सांसदों की मीटिंग के दौरान भाजपा के त्याग की याद दिलाई। उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जो इसके योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन गठबंधन धर्म के लिए ऐसा किया गया। पीएम ने इस दौरान पंजाब का भी उदाहरण दिया, जहाँ भाजपा अकाली दल के साथ सत्ता में रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कभी पंजाब में मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं की। पाकिस्तान से भारत आई सीमा इन दिनों खूब चर्चा में बनी हुई है। हर रोज उसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। भारतीय जांच एजेंसियां अभी इसको लेकर जांच कर रही हैं। हालांकि इसी बीच सीमा की वजह से सशस्त्र सीमा बल के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सीमा ने जब भारत में प्रवेश किया था, उस समय बस की जाँच के लिए जिन 2 जवानों की ड्यूटी सीमा पर लगी हुई थी, उन्हें लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसमें से 1 इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल शामिल है। सूत्रों के अनुसार SSB ने उन्हें 2 अगस्त को निलंबित किया है। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2433 के शुक्रवार की सुबह इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पटना एयरपोर्ट के निदेशक ने इस मामले में पूरी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E2433 ने प्रस्थान के लिए 3 मिनट बाद एक इंजन के निष्क्रिय होने की सूचना दी। यही वजह है कि फ्लाइट के कप्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना देते हुए अनुमति मांगी। इसके बाद उड़ान के तुरंत बाद सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। बॉलीवुड के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद कुछ ऑडियो क्लिप्स सामने आए हैं। इन ऑडियो क्लिप्स के आधार पर पुलिस सुसाइड के पीछे की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है। रायगढ़ पुलिस ने नितिन देसाई के फोन से 11 ऑडियो क्लिप बरामद किए हैं, जिनमें कई अहम जानकारी मिली है, जिसे फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। किए गए जाँच के मुताबिक नितिन देसाई लॉबिंग का शिकार हुए थे। ऑडियो क्लिप में कुल 4 लोगों के नाम सामने आए, उनमें एक एक्टर का नाम भी शामिल है। वहीं एडलवाइस कंपनी को भी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने उनकी फैमिली फोटो को लेकर कमेंट करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि मुझे यह आश्चर्य है कि बात लगती है कि यह देखकर हैरानी होती है कि आपने एक फैमिली फोटो को सिर्फ देखकर ही इतने कठोर निष्कर्ष निकाल लिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने 31 जुलाई को फैमिली डिनर के साथ रिनिकी का जन्मदिन मनाया। यह तस्वीर डिनर के बाद की है। शर्मा ने कहा है कि उनका बेटा अभी 22 साल का और पढ़ाई कर रहा है। पहले से ही यह मान लेना गलत होगा कि वह सही उम्र पर सही विकल्प नहीं चुनेगा। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन की शानदार बिक्री के दम पर भारत में जून तिमाही में रिकॉर्ड आय दर्ज की है। एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा है कि वह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में कंपनी के प्रदर्शन से खुश हैं। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि भारतीय बाजार की क्षमता को देखते हुए अभी भी एप्पल की यहाँ बहुत कम हिस्सेदारी है। बता दी कि एप्पल ने चीन में रेवेन्यू में आश्चर्यजनक रूप से 8% की वृद्धि की, जबकि भारतीय आईफोन बिक्री के लिए एक रिकॉर्ड स्थापित किया। IPL 2023 की खोज कहे जाने वाले यशस्वी जायसवाल के स्ट्रगल के चर्चे के दौरान उनकी पानी पूरी बेचने की तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी, लेकिन अब यह सामने आया कि यशस्वी जायसवाल के क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि यशस्वी जायसवाल साल 2013 में मुंबई आए थे और उस दौरान वो घर से इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें अपने परिवार की तरह रखता था। यशस्वी जायसवाल ने पानी पूरी बेचा है, लेकिन दोस्ती यारी में, ना कि उन्होंने अपने गरीबी की वजह से ऐसा किया है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक की ओर से निर्देश दिया गया था कि सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी। इसको लेकर अब शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा कि अगर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग बंद करने का सरकार का निर्देश आता है तो हम इसे नहीं मानेंगे, भले ही हमें फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि कोचिंग चलाने का यही पिक आवर रहता है। सरकार हमसे 18% GST लेती है, सभी प्रकार का रजिस्ट्रेशन है। इस प्रकार के फैसले का एकमात्र प्रभाव यहीं पड़ेगा कि प्रदेश के पहले ही छात्र पलायन कर रहे हैं और अब शिक्षक भी पलायन करेंगे। भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं, जो कि 30 किलोमीटर तक की दूरी के लक्ष्य को मार सकती है। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें वितरित की जा चुकी हैं और इसका परीक्षण जल्द ही शुरू होने वाला है। NLOS मिसाइलों को अब MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के रूसी मूल के बेड़े के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जो लंबी दूरी से लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे और पहाड़ों या पहाड़ियों के पीछे छिपे दुश्मन के लक्ष्यों और संपत्तियों के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं।
सीएम नीतीश कुमार को लेकर भाजपा ज्वाइन करने वाले नेता आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर कौन सा एजेंडा लेकर जाएंगे, बिहार में बिहार का कौन सा मॉडल वहां प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, व्यवस्था ध्वस्त है, दिन दहाड़े लूट और हत्या की घटनाएं घटित हो रही है, तो फूलपुर में वह क्या लेकर जाएंगे। पिछले 5 साल से कभी वह उत्तर प्रदेश गए हैं, जो उत्तर प्रदेश से उनका लगाव होगा, वहां जाएंगे तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है फूल, तो वहां लोग यही बनाएंगे उनको। भारतीय महावाणिज्य दूतावास के द्वारा पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अब नेपाल से भारत आने वाले 4 पहिया वाहनों को भारत में बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी कि अब नेपाल से भारत आने वाले वाहनों को भारतीय महावाणिज्य दूतावास या भारतीय दूतावास काठमांडू से अनुमति लेनी होगी। मालूम हो कि इस संबंध में किशनगंज के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ भारतीय कस्टम को निर्देश दे दिया गया है। फिलहाल यह नियम 2 पहिया वाहन पर लागू नहीं है। एक नए शोध में पाया गया है कि बचपन की प्रतिकूल परिस्थितियों, विशेष रूप से हिंसा व दुर्व्यवहार से जुड़े अनुभव का असर जीवन पर्यंत रहता है। यह अध्ययन 2 अगस्त 2023 को जर्नल ऑफ जनरल इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान अमेरिका के 3,400 प्रतिभागियों का विश्लेषण किया जो 50 से 97 वर्ष की उम्र के थे। शोध में पाया गया है कि जो लोग बचपन में हिंसा के शिकार हुए उन्हें बुढ़ापे में चलने फिरने में 40% अधिक समस्या हुई और दिनचर्या में 80% तक अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से भारत को दिए गए बातचीत के ऑफर पर भारत ने 2 टूक जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अदीमचम बागची ने कहा है कि हमने वह रिपोर्ट देखे, भारत का रुख यही है कि हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आतंकवाद से मुक्त माहौल जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान गए अंजू के मामले पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी सीमा हैदर मामले की जांच करी है, लेकिन अंजू का मामला कोई विदेशी नीति का मामला नहीं है, यह एक निजी दौरा था। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु का खराब फॉर्म जारी है और शुक्रवार को वह ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गई हैं। पीवी सिंधु को महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की वर्ल्ड नंबर 12 बिवेन झांग के हाथों सीधे सेटोंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर खिसकी सिंधु की नज़र सीजन के अपने 4थे सेमीफाइनल में पहुँचने पर टिकी थी, लेकिन सिंधु को झांग के हाथों 39 मिनट में 12-21, 17-21 से शिकस्त सहनी पड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सभी बैंकों से उनके ग्राहकों का केवाईसी करने का निर्देश जारी किया। केवाईसी अपडेट नहीं करने से ग्राहकों को उनके अकाउंट संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केवाईसी इसलिए जरूरी होता है ताकि बैंक नियमित जांच और अपडेट के माध्यम से अपने रिकॉर्ड का अपडेट और प्रासंगिक रखें। RBI दिशा निर्देशों के अनुसार सभी ग्राहकों के लिए KYC करवाना अनिवार्य है। अपडेट ना करने से आपके खाते में परिचालन पर प्रतिबंध लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में जबरदस्त झटका देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तब हम उनकी अपील पर विचार करेंगे। समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मनीष सिसोदिया को पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत नहीं दिया है। CBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। CBSE कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट cbserizults.nic.in पर या results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी अपना रोल नंबर और स्कूल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकते हैं। CBSE ने कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 17 जुलाई से 12 जुलाई 2023 तक आयोजित की थी। DMRC ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब एक और सुविधा दी है। अब दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क में UPI के जरिए पेमेंट की सुविधा शुरू की गई है। अब आप मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कराने से लेकर टोकन या पेपर टिकट खरीदने और इसका भुगतान करने के लिए QR कोड स्कैन करके UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। वहीं मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर सेंटरों के अलावा अब टिकट वेंडिंग मशीनों पर भी UPI के जरिए भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत राजधानी दिल्ली की उन लाभार्थी महिलाओं के प्रति आभार जताया है जिन्होंने उन्हें पत्र लिखकर मकान मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। PM मोदी ने कहा कि वे बताती हैं कि कैसे इस योजना के जरिए उनके अपने मकान का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है और पूरे परिवार का जीवन आसान हुआ है। पत्रों के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए इसी तरह प्रतिबद्ध होकर काम करती रहेगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो लिमिटेड के निवेशकों की आज चांदी हो गई। शुक्रवार 4 अगस्त को सुबह के कारोबार में कंपनी के शेयरों में 14% से अधिक का उछाल देखने को मिला। BSE पर स्टॉक 14.11% उछलकर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 98.39 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं NSE पर कंपनी का स्टॉक 13.69% बढ़कर अपने 52 सप्ताह के शिखर 98.40 रुपये पर पहुँच गया है। बिहार के बाहुबली और पूर्व MLC हुलास पांडे के बेटे अक्षत पांडे ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है।
ये घटना पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार का है। लड़के की उम्र 14 साल थी। बाहुबली देवता के बेटे ने आत्महत्या क्यों की, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। शास्त्री नगर थाना की घटना की पुष्टि की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आंखों में संक्रमण यानी वायरल कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित लगभग 1/4 लोगों में सिरदर्द, बुखार और चक्कर आने की भी समस्या हो रही है। इनका बुखार सिरदर्द से सामान्य पैरासीटामोल से ठीक हो जा रहा है, लेकिन आंखों में लालीपन और दर्द की शिकायत 3 दिन से 7 दिनों तक बनी रह रही है। स्कूली बच्चों में यह संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। पीड़ितों में लगभग 40% स्कूली बच्चे शामिल हैं। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राहुल को अधिक सावधान रखनी चाहिए थी। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन एक्शन सीक्वेंस सुपर हीरो फिल्म क्रिस 4 पर काफ़ी समय से काम चल रहा है। हाल ही में ऋतिक रोशन के पिता ने इस फिल्म को से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया छोटी हो गई और आज बच्चे हॉलीवुड के सुपर हीरो की फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। 500 से 600 मिलियन डॉलर जैसे बजट पर बनती है। इसकी तुलना में 200 से 300 करोड़ रुपये का एक छोटा बजट है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि अमित शाह जी और मोदी जी की 2024 और 25 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमने भविष्यवाणी कर दी है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, हमसे बड़ा बाबा कोई नहीं है, इसलिए हम यह भविष्यवाणी करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को मजबूत किया, आज मुसलमानों को धोखा देने के लिए सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। उनकी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हरिवंश उपसभापति पद पर आज भी बने हुए। बिहार में कई जिलों में मुसलमानों पर घटना घटी है। नीतीश कुमार PM बनने के सपने देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी ईश्वरी ने एशियन पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ईश्वरी चीन के हांगजू में शुरू हो रहे एशियाई पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगी। चीन में ये प्रतियोगिता 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीद भरी निगाहें ब्लाइंड ईश्वरी की तरफ होंगी। दिल्ली में 25 और 26 जुलाई को हुए ट्रायल में ईश्वरी ने हिस्सा लिया था। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। वह 200 मीटर की दौड़ में भारत में प्रथम पर और एशियन रैंक में 5वें स्थान पर रही। साथ ही वह 400 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए एशियन रैंक में 7वें स्थान पर रही। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग पहुंचते। श्रद्धालु प्राकृतिक बाधा और मौसम खराब होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग बिना रुके और थके पैदल चलते जाते हैं। श्रद्धालुओं ने इस साल पिछले साल के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल के मुकाबले इस बार 3,16,000 और 233 अधिक संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर 1 जुलाई से शुरू हुए निरीक्षण के दौरान स्कूल से गायब या विलंब से पहुंचे 7,914 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही उनका वेतन भी काटा गया है। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूरे जुलाई माह में रिकॉर्ड स्तर पर रोजाना लगभग 25,000 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। अब तक निरीक्षण के दौरान कार्य में लापरवाही करने वाले लगभग 8,000 शिक्षकों और कर्मियों का वेतन काटा गया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, उमेश कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, अंशु प्रिया, नौसाद अंसारी, रविशंकर। अबरते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर PM पद का दावेदार कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।